हमारे इंडिया का जो सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है वज़ीरेक्स के नाम से, तो हमेशा कुछ ना कुछ नया लेकर आता रहता है। और फाइनली अभी क्या है कि वज़ीरेक्स ने एक ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट भी निकाली है। जैसे कि पहले कई सारे केसेस हुए हैं, जैसे कि FTX का हुआ है, उससे पहले और भी कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स और एक्सचेंजेस के साथ हुए कि उनके पास उतना पैसा नहीं था जितना वो दिखाया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वज़ीरेक्स ने फाइनली डिसाइड किया कि वो यहाँ पे हर एक चीज़ सामने दिखाने वाले कि उनके पास कितने एसेट्स पड़े हैं। हालांकि इससे एक और फायदा हो सकता था कि वज़ीरेक्स का अपना जो ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के साथ साथ प्रूफ ऑफ रिजर्व्स प्रॉपर तरीके से अगर कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आ जाता तो क्या है कि बहुत से लोगों का कॉन्फिडेंस वज़ीरेक्स के ऊपर और भी ज़्यादा बढ़ जाना था। लेकिन वज़ीरेक्स एक्चुअल में क्या लेकर आया वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये एक्चुअल में 5th edition ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट है, तो पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ जो हिंदी में आपको बताऊंगा। तो वीडियो पूरा देखते रहना अगर आप भी वज़ीरेक्स यूज़ करते हैं, क्या वज़ीरेक्स आपके लिए सेफ है या नहीं, ये आपके लिए जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और इसी के साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए वॉल्व ट्रेड ऑफिशियल, जो आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे हम सारी अपडेट सबसे पहले डालते हैं। तो सबसे पहले हम कॉइन मार्केट कैप के ऊपर ही जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या कि प्रूफ ऑफ रिजर्व्स कुछ टॉप एक्सचेंजेस सभी का है। जैसे कि अगर हम टॉप 10 रैंक्स देखते हैं तो यहाँ पे बिटस्टैम्प को छोड़कर लगभग सारी एक्सचेंजेस का यहाँ पे प्रूफ ऑफ रिजर्व्स दिया गया है, यानी कि 20 में से टॉप 20 में से लगभग 15 के पास ऐसे प्रूफ ऑफ रिजर्व्स का प्रूफ है। तो ये जो आप सिंबल देख रहे हैं साइड में, यहाँ पे रिजर्व्स का डेटा इसमें अवेलेबल है, ये एक प्रूफ बनता है। लेकिन अगर हम वज़ीरेक्स देखते हैं तो यहाँ पे वज़ीरेक्स का नहीं है। अगर हम बाकी कुछ और इंडियन एक्सचेंजेस की बात करें तो उनका भी शायद अपडेट हो चुका है कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, लेकिन वज़ीरेक्स का अभी तक यहाँ पे नहीं आया, जिसकी वजह से बहुत लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं बन पाया वज़ीरेक्स के ऊपर। लेकिन वज़ीरेक्स ने एक चीज़ की श्योरिटी दी है कि वो हमेशा ट्रांसपेरेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं, और ये 5th edition आया, यानी कि इससे पहले भी इन्होंने काफ़ी बार अपना ये रिवील किया था कि डाटा क्या है या फिर एसेट्स क्या पड़े हैं। अभी फिर से इन्होंने ट्वीट करके ये सब कुछ डिटेल दी है। तो यहाँ पे क्लियरली इन्होंने बताया कि ट्रांसपेरेंसी यूजर्स को देने के लिए और इसी के साथ आपके एसेट्स को सेफगार्ड करने के लिए यहाँ पे एक नई रिपोर्ट लाई गई है। तो ये जो नई डेवलपमेंट है ये पिछले अप्रैल से लेकर अभी तक के सितंबर तक की है। तो आपको बता दूं कि इससे ओवरऑल इंपैक्ट किस चीज़ के ऊपर पड़ता है। एक तो ये है कि वज़ीरेक्स के ऊपर अभी और भी ज़्यादा ट्रेडिंग होगी, इसके ऊपर और भी ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ेगा, WRX को लोग और भी ज़्यादा होल्ड करेंगे, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि WRX का प्राइस आगे आने वाले समय में बढ़ सकता है, और आप भी वज़ीरेक्स के ऊपर खुलकर ट्रेड कर पाएंगे अगर आपको ये कुछ चीज़ें पता होंगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो मैं देख पा रहा हूँ वो ये लिखी है कि एवरेज जो टाइम लिया है वज़ीरेक्स के एक्सचेंज ने अगर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन हुई है तो इन्होंने 22 मिनट के अंदर अंदर रिस्पॉन्स भी दिया है। इसी के साथ लॉन्च किया इन्होंने KYC हिस्ट्री फीचर यूज़र्स के लिए, जिससे क्या है कि यूज़र्स अपने डेटा को ट्रैक कर सकते हैं KYC के वेरीफाई होने से पहले कि आपने जो जो भी यहाँ पे स्टेप उठाए हैं। और क्वाइन मेटा डाटा भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, जिससे क्या है कि हम टोकन्स की इन्फॉर्मेशन तो ले ही पाएंगे, इसी के साथ डू योर ओन रिसर्च के ऊपर भी यहाँ पे खास ध्यान दिया गया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि DYOR का मतलब क्या होता है, यानी कि अगर हम किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, तो हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस कॉइन को या फिर उस प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से सर्च करें। यही मतलब है कि डू योर ओन रिसर्च, यानी कि हम खुद उसकी रिसर्च करें, हमें खुद पता होना चाहिए क्या हम सही स्टेप उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं। क्योंकि मार्केट में कोई भी प्रोजेक्ट आता है, कोई भी कॉइन आता है, तो हो सकता है वो किसी भी समय कभी भी कुछ भी गलत उसमें हो जाए। लेकिन अगर आपने किसी प्रोजेक्ट को कॉइन को सही ढंग से स्टडी किया है, जैसे कि आज हम वज़ीरेक्स को स्टडी कर रहे हैं और इसी से हमें WRX की इन्फॉर्मेशन मिलती है, सिमिलरली वैसे अगर हमने किसी प्रोजेक्ट को सही ढंग से स्टडी किया है तो हमें पता होगा कि आने वाले समय में इसके क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं और क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो अब हम चलते हैं ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के ऊपर, जिसमें और भी ज़्यादा डिटेल में बताया गया है। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ वज़ीरेक्स ने ये लिखी है कि इन्होंने अपना रिकॉर्ड 100% कंप्लायंस रखा है अकॉर्डिंग टू लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, यानी कि जैसे जैसे यहाँ पे लॉ बनाया गया बिल्कुल वैसे इन्होंने कंप्लाई भी किया है, उसको उसी तरीके से फॉलो भी किया है, और आपकी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को सिक्योर बनाने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए इन्होंने हमेशा अपडेट्स डाली हैं यहाँ पे। और आपको फिर से बता दूं कि जब भी रेगुलेटर्स ने या फिर किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी ने कभी भी इनसे कोई भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्फॉर्मेशन मांगी है तो इन्होंने 22 मिनट के अंदर अंदर एवरेज टाइम बताया गया कि 22 मिनट के अंदर इन्होंने रिस्पांस दिया है। रिस्पांस का मतलब है कि सारी रिपोर्ट दी है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि बाइनेंस कब से वज़ीरेक्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज वज़ीरेक्स को यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रही थी, इनसे डाटा मांगा जा रहा था, तो वज़ीरेक्स उस वक्त सही टाइम पे अगर डाटा नहीं प्रोवाइड कर पाया या फिर किसी भी कारण अगर कुछ समय के लिए गलत प्रूव हुआ था तो उस वक्त बाइनेंस ने पैर पीछे हटा लिया था, जो कि बहुत ही गलत चीज़ थी बाइनेंस के लिए, और उन्होंने WRX से भी पूरा अपना हाथ धो लिया था एक तरीके से, यानी कि उन्होंने ना WRX का ध्यान रखा ना वज़ीरेक्स का ध्यान रखा, और वज़ीरेक्स ने भी बोल दिया कि वज़ीरेक्स हमारा नहीं है।
हालांकि वजीरएक्स उनका खुद का था, वजीरएक्स उन्होंने खुद बाय भी किया, WRX की होल्डिंग उनके पास लॉक्ड है, लेकिन उन्होंने तब से पैर पीछे हटाया हुआ है। लेकिन वजीरएक्स की जो टीम है, अगर इंडिया के हिसाब से देखें तो हमेशा इन्होंने सही स्टेप उठाए हैं और हमेशा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ काम किया है। और शायद ये सब कुछ जो किया जा रहा है इससे क्या कि ये अपना एक स्टैंडर्ड बना रहे हैं कि ये इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों को कंप्लाई करने वाले हैं। जितनी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज रहने वाली हैं ये उनको हमेशा सही टाइम पे जवाब देने वाले हैं। अब यहाँ पे इन्होंने एक और चीज़ बताई जो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि ये काफ़ी सारी एजेंसीज के साथ काम भी कर रहे हैं, पुलिस के साथ काम कर रहे हैं, उनको समझाना चाह रहे हैं कि कैसे क्रिप्टो करेंसीज पिरामिड स्कीम से अलग है और कैसे क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टिगेशन करी जा सकती है और इनको ट्रैक कैसे किया जा सकता है। अगर हम वजीरएक्स के पिछले एक इवेंट की बात करें तो हाउस लीगल एंड कंप्लायंस टीम के साथ, जो कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ऑफ ओडिशा पुलिस था, उनके साथ जो एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी उनके साथ इन्होंने काम किया। यानी कि एक पिरामिड क्रिप्टो स्कीम थी उसको इन्होंने इन्वेस्टिगेट करने में सहायता करी थी। और जब भी कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रहती है तो यहाँ पे ये सारी डिटेल आगे भी देते हैं। आज भी अगर हम बात करें तो इंडिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज है बाय वॉल्यूम, और इसके ऊपर 15 मिलियन से भी ज़्यादा यूजर्स हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं लगभग 1.5 करोड़ के यूजर्स इनके पास हैं, जो कि पहले वजीरएक्स फाउंड किया गया था निशुल शेट्टी के द्वारा और सिद्धार्थ मेनन और समीर महाते के द्वारा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी है ये सिर्फ मैंने ऊपर से बताया, लेकिन आपको लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको लिंक ट्विटर के ऊपर भी मिल जाएगा, जहाँ पे हर एक चीज़ और भी ज़्यादा डिटेल में बताई गई है, जो कि 14 पेजेस की एक रिपोर्ट है जिसमें ट्रांसपेरेंसी पूरी दी गई है, जिसमें हमारे जो क्रिप्टो एसेट्स हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। हालांकि जो प्रूफ ऑफ रिजर्व्स की अगर हम बात करें वो थोड़ा अलग होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए इन्होंने एक रिपोर्ट रेडी करी है जो आप खुद भी पर्सनली रीड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो विड्रॉल्स वाली प्रॉब्लम है, यानी कि अगर आप INR डिपॉजिट कर देते तो विड्रॉल नहीं होंगे, यानी कि क्रिप्टो विड्रॉल नहीं होंगे, क्रिप्टो एसेट क्रिप्टो एड्रेस पर विड्रॉल नहीं होंगे, वो अभी भी सच है, यानी कि वो चीज़ अभी चेंज नहीं होने वाली, ये ऐसा ही रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि यहाँ पे आप पैसा डालें क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर, इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर पैसा डालें और किसी और एक्सचेंज के ऊपर निकाल लें या फिर किसी अपने प्राइवेट वॉलेट के ऊपर या फिर डेक्स के ऊपर आप रख लें, ये गवर्नमेंट नहीं चाहती। गवर्नमेंट चाहती कि आपका पैसा यहाँ पे डाले और यहीं पे रहे, और आप निकालना चाहें तो यहीं से निकले और उसके ऊपर TDS कट जाए और उसके ऊपर क्या है कि यहाँ पे कुछ चार्जेस लग जाएं, जिससे क्या कि एक्सचेंज का भी फायदा हो जाए और गवर्नमेंट के पास पूरा डेटा रहे कि आपने कितना पैसा डाला था और आपने कितना पैसा निकाला। यही सबसे पहला कारण था TDS लगाने का। और दूसरा कारण जो विड्रॉल्स बंद किए जाते हैं अगर आप INR डिपॉजिट करते हो, तो वो यही है कि आप किसी और एक्सचेंज पर अपना पैसा ना ले जाएं, कि आपका पैसा यहीं पे घूमता रहे, इंडिया के अंदर ही घूमता रहे। लेकिन आपका क्या मानना है इसके बारे में, एक बार मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप वजीरएक्स एक्सचेंज को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते, या फिर आप कौन सा एक्सचेंज रेगुलर बेसिस पर यूज़ करते हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। किसी और एक्सचेंज के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, नीचे कमेंट करके मुझे बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ नोटिफिकेशन हमेशा पहुँचते रहें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।